हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लॉकडाउन के बाद पहली बार कोई मुलजिम कोर्ट में पेश, कुख्यात गैंगस्टर कैलाश मानसू को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में किया पेश। वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना संक्रमण के बाद देश भर में करीब 2.5 महीने तक लॉकडाउन चला। इसके असर से प्रदेश में अदालतों में अपराधियों को कोर्ट में पेश करने पर रोक लगा दी गई और अब तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही सुनवाई चल रही थी। लंबे समय के बाद आज हार्डकोर अपराधी कैलाश मानसू को अलग अलग मामलों के लिए तारीख पेशी पर कोर्ट लाया गया। हथकड़े लगाए कुख्यात गैंगस्टर मानसू को कड़ी सुरक्षा के बीच पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए कोर्ट में पेश किया गया। जोधपुर में ये पहला अपराधी होगा जिसे लॉकडाउन के बाद कोर्ट में पेश किया गया है। दरअसल लॉकडाउन लगने के बाद से ही राजस्थान हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में अपराधियों को पेश नहीं किया जा रहा था। कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका में अपराधियों के केसों की सुनवाई ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही चल रही थी। लॉकडाउन अवधि में छूट मिलने के बाद धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने और अनलॉक का प्रथम चरण चलने के दौरान आज शहर की एक अदालत में कुख्यात गैंगस्टर कैलाश मानसू को पेश किया गया। हथकड़ी लगाए और मुंह पर गमछा डाले मानसू ने अदालत में हाजिरी लगाई। इस दौरान मौजूद पुलिसकर्मी पूर्णतः सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते दिखे। बता दें कि जोधपुर शहर व ग्रामीण पुलिस की नाक में दम कर चुके कुख्यात गैंगस्टर कैलाश मानसू को करीब 1.5 साल पहले पिता रामचंद्र विशोई के निधन पर पुलिस के हत्थे चढ़ा था। हत्या प्रयास, मारपीट, रंगदारी, फायरिंग व लूट जैसे करीब 3 दर्जन मामलों में शामिल मानसू गैंगस्टर लॉरेंस विशोई के गैंग से भी जुड़ा हुआ है। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शिमर की रिपोर्ट।